आज देश में भले ही मौसम का मिजाज काफ़ी गर्म है, लेकिन हमें लगता है कि उससे भी ज़्यादा गर्म है राजनीतिक माहौल। चूंकि तीन चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब चौथे चरण की बारी है, लेकिन कल जिस तरह से बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी का जो जलवा दिखाई दिया है, उससे अच्छे अच्छे विरोधियों की पसीने छूट रहे हैं कि आने वाला जो फेज, जो चुनाव है, चार चरण का चुनाव बाकी है, वो किस करवट बैठने जा रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम सिवान के वर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव जी से बातचीत करेंगे। हालांकि इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है, इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन ये आने वाला 2019 का जो चुनाव है वो किस करवट बैठने जा रहा है, इस पर ओम प्रकाश जी से हमारी बातचीत होगी। ओम प्रकाश जी, ये बताइए सबसे पहले कि कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी का जो स्वागत हुआ बनारस में, लगभग चार घंटों तक बनारस के सारे लोग सड़क पे उतरे हुए थे और इतनी भीड़ शायद 14 में भी दिखाई नहीं दी थी, इसको क्या माना जाए? पहले तो आप एटीएन के माध्यम से दर्शकों को हम नमन अभिनंदन करना चाहेंगे, उनके परिवार की उन्नति प्रगति की शुभकामना देता हूँ। यह भीड़ इस बात का प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। 5 वर्ष में उन्होंने जो काम किया है देश के हित में, राष्ट्र के हित में, वह भीड़ प्रदर्शित करती थी। और विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष कहीं है नहीं। और चुनावी मैदान में जैसा आपने बताया, तीन फेज का चुनाव समाप्त हुआ है और ईवीएम अब आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में दोष है, तो मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए बहुमत में आएगी। ओम प्रकाश जी, 10 साल सिवान पे आपने राज किया है, क्या लगता है कि ये जो इस बार टिकट आपका कट गया, कई तरह की बातें हुई, आखिर आपने क्या सोचा कि क्या वजह हो सकती थी? देखिए, 10 बार हमने राज नहीं किया, हमने सेवा किया। सेवा ही किया, मतलब मेरा कहने का मतलब कि 10 साल आप यहाँ पे कंटिन्यू सांसद रहे हैं। 10 साल हमने सेवा किया, हम अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं। पूरे 1 से 10 सांसदों के बीच मेरा 6ठा स्थान था पूरे देश में उत्कृष्ट सांसदों का, जो पुरस्कृत किया गया उसमें मेरा 6ठा स्थान था। मुझे दिल्ली में बुला करके पारितोषिक भी दिया गया, तो मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। जब पहली बार हम जीत कर गए, जब इंडिपेंडेंट जीत कर गए सिवान से, तो एक मरीज को देखने गए, तो वहाँ हमने देखा कि मरीजों की क्या हालत है। वो लोग रोड पर सोते थे, हमें लगा कि लोग क्या खाते होंगे, सुबह शौच जाने में इन्हें दिक्कत होती होगी। तो हम अपने आवास पर ऊपर एक एल्बेस्टस का बड़ा हॉल बनवाए और ऐसे मरीजों को अपने दिल्ली आवास पर 70, 80, 60, 100 मरीज रखते थे, उनको खाने पीने का हमने व्यवस्था सुनिश्चित किया। और इस काम के लिए एक लड़का रख करके, मनोज नाम है, अपने गुठनी का रहने वाला है, उसको 8,000 रुपया देते थे। उसका काम था सुबह हमारे मरीजों को ले जाना और कार्ड बनवाना, दिखलाना, और अपने यहाँ के मरीजों का उचित इलाज कराने की व्यवस्था हमने सुनिश्चित किया था। और व्यवस्थित ढंग से अब तक हमने 2,500 से ज़्यादा लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करवाने का काम किए हैं, 5 आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं, 2 आदमी का तो हमने लीवर बदलवाने का काम किया है। 30-30 लाख रुपया लगा, लेकिन ईश्वर के कृपा से आज सभी लोग जिंदा हैं, ईश्वर का आशीर्वाद से, तो हम अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं। लेकिन फिर आखिर कहाँ चूक हो गई, कौन सा ऐसा समीकरण पार्टी को दिखाई दिया जिससे आपकी टिकट कट गई? हमारे प्रदेश में हमें उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगा, चलिए कोई हमें लगा। एक तो हमारा बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं रहा, मेरे माता पिता कोई बड़े नेता नहीं रहे, हम अपने घर के पहला ऐसा व्यक्ति हैं जो सांसद बने। और मुझे लगा कि साहबदीन जैसे गढ़ में एक बार नहीं 2 बार जितना अपने आप में माने रखता है, तो मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि मुझे लगता था कि ये मेरा टिकट कटेगा नहीं।
लेकिन अगर टिकट काटे, पहली बार ही हमने कह दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देगी तो हम लड़ेंगे, नहीं देगी तो हम नहीं लड़ेंगे, जब हम इंडिपेंडेंट जीत कर गए थे। एक घटना मुझे सांसद बना दिया था, आपको याद होगा। तो उस घटना के बाद जब दूसरी बार ही चुनाव आया 2014, तो मैं कह दिया था कि भाजपा मुझे टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो नहीं लड़ेगी। इस बार भी हमने वही कहा, अगर भाजपा हमें टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो नहीं लड़ेगी। हम भारतीय जनता पार्टी में अपनी निष्ठा और विश्वास व्यक्त करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने कहाँ चूक हुई, और हम लोग एनडीए के उम्मीदवार कविता देवी को जिताने में लगे हैं। माहौल बन जाएगा, बड़े बड़े नेता लोग आएंगे पटना और दिल्ली से, तो मुझे लगता है कि यह भी सीट हम लोग जीतेंगे। उमरा जी, 10 साल आपने ये आप सांसद रहे हैं, अभी भी हैं आप वर्तमान में, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में, अभी जैसे आपने कहा कि हमारा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, एक जानकारी हम चाहते हैं कि क्या आज जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है पूरे देश का, क्या आज ये जरूरी है कि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा, किसी बड़े नेता के परिवार से आप आते हैं तब भी आप राजनीति कर पाइएगा, अन्यथा जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनके लिए राजनीति नहीं है? देखिए, साधारण लोगों के बस के लिए अब राजनीति नहीं रहा, क्योंकि हम निर्दलीय जितना लोकसभा मैंने समुद्र में अधन देने के बराबर है, बहुत बड़ी बात है। और उस समय भी आपके सामने बहुत दिग्गज नेता थे, भूषण पटेल थे, उस समय बिहार सरकार लगी थी और कैबिनेट मंत्री थे और पूर्व सांसद साहबुद्दीन की पत्नी लड़ रही थी। उस विषम परिस्थिति में सिवान के लोगों ने मुझे दिल्ली जाने का टिकट दिया, तो मुझे लगा कि दूसरी बार भी लोग हमें टिकट देंगे, तो टिकट मिला। इस बार हमें लग रहा था कि अगर एक यादव का टिकट काटना भी होगा तो मधुबनी का कटेगा, लेकिन मधुबनी का टिकट इसलिए नहीं कटा कि अशोक यादव जो लड़ रहे हैं उनके पिताजी 6 बार MLA रहे हैं और 6 बार MP रहे हैं, हुकुमदेव बाबू, तो बड़े बाप के बेटा हैं और उनकी अप्रोच है, पहुंच है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको दे दिया और हम जैसे साधारण कार्यकर्ता हैं इसलिए हम लोगों का टिकट काट दिया। तो हमें कोई इसका मलाल नहीं है, हम अपने पूर्व के अध्यक्ष को देखिए ना, हम लोगों के भाजपा में थे और जदयू से टिकट लड़ गए, लेकर लड़ गए मनोज सिंह, और फिर भाजपा में आ गए। तो हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम लोग भाजपा में हैं तो भाजपा में रहेंगे, निष्ठा ईमानदारी के साथ रहेंगे। उदित राज हम लोगों के साथ सांसद थे, आज भाजपा में चले गए हैं, तो ऐसे कांग्रेस में चले गए हैं, तो पहले हमारे साथ भाजपा में मैंने सांसद हुआ करते थे, अब चले गए हैं कांग्रेस में, तो हम लोग निष्ठावान लोग हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहते हैं। उदित राज का आपने जिक्र किया, उदित राज का ये कहना है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पे मीडिया के सामने कहा कि भाजपा उच्च जाति वर्ग के पार्टी बन के रह गई है, जहाँ पिछड़ी जातियों को अब कोई पूछ नहीं रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? नहीं नहीं, उनके बात में कोई ऐसी तथ्य नहीं, सच्चाई नहीं है। भाजपा में भी दलित वर्ग के राष्ट्रपति बने हैं और सारे लोगों का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, तो हम उदित राज के इस बयान से सहमत नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में साधारण परिवार के नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाया, वो जीते भी, प्रधानमंत्री हुए भी, और कुशलता के साथ अपने कार्यकाल 5 साल पूरा किया और आगे भी करेंगे, हमें उम्मीद है। आपके टिकट कटने का, जो आपका टिकट कटा उसके पीछे कहीं आपके पार्टी के ही कई लोग, जो सामने आ रहा था चुनाव के बहुत पहले से ही, चाहे वो टुन्ना पांडे जी हो या और भी कई लोग हैं, बड़े लोग जो बड़े घराने के लोग हैं, हम पहले ही कहे हैं कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं, गरीब जाति से हैं, हमारी पहुंच नहीं है। टुन्ना जी पांडे MLC जो हैं उन्होंने ही माहौल बिगाड़ने का काम किया, मनोज सिंह ने ही माहौल बिगाड़, हमारे जिला अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश तो मात्र 10% कामें किए हैं, 10 नंबर दे रहे हैं, 100 नंबर में 10 नंबर फेल मार्क दे रहे हैं, तो माहौल तो यही लोग बिगाड़े हैं और इन्हीं लोगों ने लिखवा करके दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रदेश अध्यक्ष को दिए हैं, सीमान के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लिखवा कर दिए हैं, बैठे हुए हैं आपके हसनपुरा के मंडल अध्यक्ष प्रभुनाथ यादव, इनका भी जाली दस्तखत करके दिए हैं
कि सीवान में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, यह सीट हम लोग जीत नहीं पाएंगे, इसलिए जदयू को दे दिया जाए। तो इस तरह का षड्यंत्र रच करके हमारा टिकट कटवाया गया है, तो उससे हमें कोई गम नहीं है, कोई हमें विषाद नहीं है, हम लोग लगे हैं जनता दल यू। लेकिन अगर इस तरह का षड्यंत्र एकदम चुनाव के एंड मौके पर जब आया, आपका टिकट कट गया, लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? अब चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा तो लोग, जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा है वो लोग भी लगे हैं, हम लोग भी लगे हैं, माहौल बन जाएगा, हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव कहीं, खुदा ना करे, लेकिन कहीं अगर कुछ गड़बड़ होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी उन साजिशकर्ताओं की होगी? ये निश्चित रूप से यह साजिशकर्ताओं की होगी, टूना जी पांडे की होगी और मनोज सिंह की होगी, चूँकि वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात यह सीमांत की सीट हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा की सीट है। पूर्व सांसद जब साहबुद्दीन साहब जेल से छूट कर आए तो उन्होंने कहा कि परिस्थितियों का मुख्यमंत्री हैं, तो उस परिस्थितियों के मुख्यमंत्री को भी चुनौती को स्वीकार करनी चाहिए, आकर के समय देनी चाहिए, लग करके इसे जिताने का काम करना चाहिए। एक कारण ये भी माना जाए कि आपका और नीतीश कुमार जो इस समय मुख्यमंत्री हैं संबंध बहुत अच्छा नहीं था जब एक बार टिकट कट गया था। नीतीश कुमार जी हमें बुलाए थे जब हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, तो हमको बुलाए थे कि आप बैठ जाइए, हम उनकी बात नहीं माने। तो एक तो ये बात थी कि वो आदमी किसी को माफ़ नहीं करते हैं, जिसको जिसको टारगेट बना लेते हैं उसको अंत तक लेके, हाँ, जिसको टारगेट बना लेते हैं अंत तक उसको पूरा करते हैं। तो इस सीट को उन्होंने प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी से एक प्रकार से जोर जबरदस्ती करके जेडीयू में ले लिया है, तो ले लिया है, फिर भी चलिए। अब नीतीश कुमार के साथ हम लोग काम करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के समझौता के तहत हम लोग लगे हैं, और किसी तरह हम लोग इस अब माननीय मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सर, आपके रहने के बावजूद ये देखा गया कि जब आरजेडी का नॉमिनेशन था, बहुत कई लोग नॉमिनेशन के दो दिन पहले सिवान के कई व्यवसायियों ने आरजेडी को, जो बीजेपी के पदाधिकारी थे उन लोगों ने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया। फिर मंच पे आपके एक और पदाधिकारी गब्बर यादव जी थे, उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया, ये कहीं असर डालेगा इस चुनाव में? संगठन का दायित्व जिला अध्यक्ष के ऊपर है, जिला अध्यक्ष उन लोगों को सम्मान नहीं दे रहे थे। संगठन से जुड़े हुए लोग, अगर इसके पहले आदित्य पाठक प्रवक्ता थे, बीजेपी के प्रवक्ता थे, बीजेपी को प्रवक्ता बनाए थे हमारे जिला अध्यक्ष मनोज सिंह जी, वो भी छोड़ कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में चले गए। फिर ये बीजेपी के कई सदस्य थे जो वैश्य बिरादरी से थे, और शहर कहा जाता है कि शहर जो है वो वैश्यों का है, तो वो भी छोड़ के चले गए एन मौके पे, ये क्या क्या गुल खिलाया गया? देखिए, मनोज भैया पहले से भी साहबुद्दीन साहब के साथ रहे हैं, हमें लगता है कि भितरिया इन लोगों का समझौता हुआ है कि ओम प्रकाश का टिकट काट दिया जाए, और उसमें वो सफल भी रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस टिकट कटवाने में मुख्य भूमिका मनोज भैया का रहा है। एक सवाल और करेंगे आपसे कि आज जिस तरह से राजनीतिक ये दृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं जूते चल जाते हैं, कहीं थप्पड़ एकदम मंच पे थप्पड़ की बरसात हो जाती है, आपको नहीं लगता कि जो भारतीय राजनीति है उसका स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, और कई तरह की भाषा का अनर्गल भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, अनर्गल भाषा का हम निंदा करते हैं, मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हम 10 साल सांसद रहें न रहें, लेकिन हमने कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग हमने कभी नहीं किया। आप अभी भी देखे होंगे कि हमने साबिन साहब कहा, इसके लिए कई बार हमें लोग भी ले लेते हैं, मनोज भैया को मनोज भैया हम ही कहते हैं। तो भाषा क्या मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति में विरोध अलग बात है, तो इसकी हम निंदा करते हैं। मिलजुल करके सब लोग लगे, यह सीट हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है, हम लोग इसको जिताने का काम करें। मंच पे जिस दिन आपका ये एनडीए का जो नॉमिनेशन हुआ था, और मंच पे जिस तरह से ओम प्रकाश यादव ने मन की बात को एक भड़ास के रूप में जनता के सामने रखा, उसको क्या माना जाए? देखिए, ये लोग बंद कमरे में हमारी शिकायत किया करते थे,
तो क्यों ना हम जनता की अदालत में अपने एक हिसाब दें। हम आज भी हम सांसद रहे न रहे, 10 साल का लिखा जोखा तो हम जनता को देंगे। हमारा बुकलेट छप रहा है, हम चुनाव के बाद हम ला करके जनता को सौंपेंगे कि हमने किस किस आदमी का इलाज करवाया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से किसको इलाज में हमने सहयोग किया, अपने एक एक पैसा का हिसाब किया। टूना जी पांडे कहते थे कि सिवान का पैसा आखिर क्यों चला गया गोपालगंज में, गोपालगंज में हमने 10 लाख रुपये जो दिया है, वहाँ के विधायक हैं सुभाष सिंह जी, हमारे अति मित्र हैं, काफ़ी करीबी मित्र हैं रवि सिंह मुखिया जो नौतन प्रखंड के सेमरिया पंचायत के रहने वाले हैं, तो उनके मामा लगते हैं। निर्दलीय जब लड़ रहे थे तो रवि सिंह हमारे साथ थे, तो रवि सिंह के वजह से हम उनके चुनाव प्रचार में गए वहाँ, और हम चुनाव प्रचार में वहाँ के लड़कों से कहा कि आप लोगों को जिताने का दायित्व देकर जा रहे हैं, अगर विधायक जी को जिता दीजिएगा तो अभी ठीक है, नहीं जिताइएगा तो अभी ठीक है। आप लोग जो सड़क कह रहे हैं हम उस सड़क को काम करवाने का काम ले रहे हैं, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। हमने 10 लाख रुपये का PCC वहाँ लिखा है करवाया है, तो कौन सा गुनाह कर दिए हैं? और 4 लाख रुपया कामेश्वर सिंह जो बाई इलेक्शन लड़ रहे थे छपरा में, हमारे एक बड़े भाई हैं अशोक सिंह जसौली के, उनकी बेटी की शादी हुई है छपरा में, तो उनके बेटी के यहाँ हम लोग खाना खाने गए तो वहाँ 4 लाख रुपये का हमने एक PCC करवाया है। उसी का हाय तोबा मचा करके इन लोगों ने हम इतना ना हाय तोबा मचाए कि सिवान के लोगों को भर, तो सिवान की जनता तो सब समझ रही है। उसी बात को हम मंच पर रखे कि दोनों भाई हमारे बैठे हुए हैं, जनता जनार्दन से अपना हिसाब देना मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, तो हमने उसका हिसाब देने का काम किए, तो हमने कोई गुनाह नहीं किया है। इस 14 लाख के बदले में 4 करोड़ रुपया ला करके बिजली विभाग से CSR का पैसा अंबेडकर छात्रावास बनवा रहे हैं सिवान में, 3 मंजिला बनेगा, बहुत भव्य बनेगा, तो हमने विकास तो किया है। 4.5 करोड़ रुपये की राशि से मेडिकल कॉलेज खुला है, 1100 करोड़ रुपये का NHI का काम हो रहा है, सड़क बन रहा है, पासपोर्ट कार्यालय बना है, एक एक पैसा का काम हो रहा है, तो काम तो बहुत हुआ, जनता तो संतुष्ट थी। आपको लगता है कि NDA ने प्रत्याशी चुनने में कुछ गलती कर दी है? नहीं, NDA ने अच्छा प्रत्याशी दिया है, NDA के प्रत्याशी हों चाहे UPA के प्रत्याशी हों, किसी पर कोई आरोप नहीं है। उन लोगों के पति बाहुबली हैं, उन लोगों के पति पर आपराधिक चरित्र का मुकदमा चल रहा है, पहले से चलता आ रहा है, लेकिन प्रत्याशी तो हम लोगों के दोनों अच्छे हैं। तो प्रत्याशी तो आपके 2014 में जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, हिना साहब भी उस समय भी हिना साहब ही थी, लेकिन शाहउद्दीन का नाम कहीं उनसे लगा हुआ था जिसके लेकर के उन्हें चुनाव हारना पड़ा। देखिए, हम तो उस समय भी हिना साहब के बारे में हमने कोई खिलाफ नहीं बोला, आज भी नहीं बोल रहे हैं। कविता सिंह जी के खिलाफ न आज बोल रहे हैं न कल बोले हैं, हम दोनों प्रत्याशी हमारे अच्छे हैं, फैसला जनता को करनी होगी। लेकिन यह चुनाव कोई मुखिया का चुनाव नहीं है, यह चुनाव राष्ट्र के लिए हो रहा है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए हो रहा है, इसलिए हम अपील करते हैं कि अपना एक एक वोट कविता सिंह के चुनाव चिन्ह तीर छाप पर दें। अच्छा, आपको लगता है कि 2014 में जो मोदी जी की लहर थी और आज में कुछ अंतर है? नहीं, उस लहर से भी बढ़कर इस बार तूफान है, सुनामी है, पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को इस बार भारतीय जनता पार्टी की 300 अकेले सीट आएगी, NDA की 400 सीट आएगी। लेकिन एग्जिट पोल में सर अभी दिखा रहा है कि वो बहुमत से कुछ 7-8-10 कम हो सकता है, ये 10 सीट कहाँ से आएगा? अगर बाय द वे एक सवाल ये भी उठता है कि अगर जैसे कि कश्मीर में वो जिनके साथ आपका समझौता था, क्या नाम है उनका, मुख्यमंत्री थी PDP की, उनके साथ अगर उनका सीट आ जाता है तो क्या फिर एक बार समझौता होगा क्या? नहीं, हम लोग उन लोगों से समझौता, देखिए आतंकवादी से उग्रवादी से ना समझौता किए हैं ना करेंगे, हम लोगों ने समझौता राष्ट्र हित में दिया था, उन्होंने उग्रवादियों को प्रश्रय देना शुरू किया तो हम लोगों ने समर्थन वापस ले लिया। हम लोगों के लिए देश सर्वोपरि है, हम लोगों को बहुमत नहीं आएगा तो हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने जो हेमंत करकरे को लेकर के जो बयान दे दिया वो कितना असर डालेगा आपके चुनाव पे? उन्होंने शहीद हेमंत करकरे को एकदम कहा कि श्राप दिया, उसी की वजह से इसकी ये हुई। उसके लिए उन्होंने प्रायश्चित किया, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा, उन्होंने कहा कि हमसे गलती से कहा गया है, मुझे माफ़ कर दिया जाए।
पहले ही हम आपके एटीएन पर हमने कहा है कि वचन का दरिद्र नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने गलती किया। शहीद के प्रति उनकी मंशा से हम लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी उसके उनके बयान से अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन उन्होंने भी माफ़ी मांग लिया है, तो मुझे लगता है कि भारत भोपाल की जनता माफ़ कर देगी। 25,000 से ज़्यादा जेट एयरवेज के जो कर्मचारी थे आज वो सड़क पे उतरे हुए हैं, उनकी नौकरी चली गई है, उनको 6-6 महीना से तनख्वाह नहीं मिला हुआ है, ये कितना असर डालेगा इस चुनाव में? देखिए, वो प्राइवेट कंपनी थी, कंपनी के घाटे में जा रही थी, सरकार चुनाव के बाद निश्चित रूप से संज्ञान लेगी और उसको फिर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहयोग करके फिर उसको चलाया जाएगा। स्पाइस जेट कुछ कर्मचारियों को नौकरी दे रहा है, लेकिन उनकी समस्या को निश्चित रूप से केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। वैसे उनके परिवार जो लोग बाहर रह करके पढ़ाते लिखाते थे, उनके बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है, यह बहुत दुखद बात है। एक अंतिम सवाल अब, और आपके टिकट कटने के बाद से क्या सिवान से ही 2014 में देखा गया था कि उस समय जिस गठबंधन को लेकर के माई समीकरण को लेकर के राजद यहाँ 15-20 साल राज किया था, 14 में वो समीकरण टूटा था, लेकिन आपके टिकट कटने के बाद से अब ये एक और माहौल दिखाई दे रहा है कि माई समीकरण एक बार फिर से एकत्रित हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार में सबसे पहले अगर MY समीकरण टूटा तो सिवान में टूटा, और असर पूरे बिहार, हम पूरे सिवान के एक एक मतदाता को हम आभारी हैं कि हम तो कफन लेकर निकले थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे, यह वही लोग हैं कि कहते थे हमको कि खटिया मिला है, और कुछ लोग थे उस समय जो हमारा विरोध कर रहे थे, लोग कहते थे कि खटिया मिला ही है, कफन लेकर चलिए रहा है, इसको आसमान पहुंचा देना। लेकिन हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे सिवान की महान जनता को कि इन लोगों ने मुझे लोकसभा भेज दिया। लोकसभा में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हमने 10 वर्षों का कार्यकाल काम पूरा कर लिया है और हम अपने कार्य से संतुष्ट है। हमने पूरे, मेरी उपस्थिति लोकसभा में 97% है, 3% इसलिए नहीं है कि हम बीमार पड़ गए थे, मैं हार्ट का ऑपरेशन करवाया था, हार्ट का ऑपरेशन करवाए थे उस समय, 4 महीना हम नहीं जा सके लोकसभा, तो 97% मेरी उपस्थिति कोई भी देख सकता है, कोई भी फेसबुक पर मांग सकता है, चाहे 10 रुपया का लगा करके ले सकता है, तो इस तरह की मेरी उपस्थिति है। हम मौज मस्ती करने दिल्ली नहीं गए थे, पार्टी के ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है, और मुझे लगता है कि जहाँ तक MY समीकरण की बात है, तो हमने सुशील मोदी जी से भी कहा था कि जो कमल खिला है सिवान में, कोई विरासत में नहीं खिला है, इष्ट मित्रों के शहादत के बदौलत, त्याग और तपस्या के बदौलत वहाँ कमल खिला है, इसको मुरझाने मत दीजिएगा। अगर मुरझता है कमल, तो इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। हमने प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया था, सुशील मोदी जी को कह दिया था, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी कह दिया था, और आज भी हम चाहते हैं कि अपना खून पसीना लगा करके कमल मुरझाए नहीं, खिला रहे कमल, इसके लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो मतलब सवाल तो फिर वही आ गया कि आखिर क्या ये सिवान से ही वो समीकरण टूटा था, और आपके जाने के बाद से क्या वो समीकरण एकत्रित हो रहा है, बन रहा है फिर से? यार, हम कोई सिवान के लालू यादव नहीं है कि कोई समीकरण बनाते हैं और जोड़ते हैं। हम पहला आदमी थे कि हमारे ऊपर ब्राह्मण भी विश्वास करता था, राजपूत भी विश्वास करता था, भूमिहार भी विश्वास करता था, और वैश्य समाज भी विश्वास करता था, और दलित वर्ग इसी विश्वास के लेकर के ना, कि जब आप आए थे तो ये सारा समीकरण टूट गया था, जिसका असर पूरे बिहार पे पड़ा था। आप अभी चले मतलब आपका टिकट कट गया, तो ये भी असर डाल रहा है कि ओम प्रकाश यादव का टिकट कट गया है, यादव बिरादरी एकदम बगावत की मुद्रा में दिखाई दे रही है। देखिए, यादव सीधा साधा परिवार के लोग हैं, मैंने शालीन लोग हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं मरमाहत है कि हमारा टिकट कटा है। मेरा टिकट कटा नहीं है,
ये सीट चला गया है। नीतीश कुमार दबाव में लेकर के, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को दबाव में लेकर के, तीन राज्यों में चुनाव हुई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां हम लोग हार गए थे। उसी पीरियड में यह समझौता हुआ था, 17-17 सीट हम लोग दे दिए थे, तो सीटें हम लोगों के गठबंधन में चला गया, इसलिए मेरा सिंबल नहीं मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी में रहता तब तो निश्चित रूप से हमको यहाँ से टिकट मिलता, मुझे उम्मीद थी। फिर भी चलिए, गठबंधन को देखना है, नरेंद्र मोदी को देखना है, नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। उम्मीदवार कौन है, किस पार्टी के है, हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। सर, सवाल अभी भी वही है, माई समीकरण टूटेगा या बनेगा? नहीं, हमारे साथ रहने वाले जो जादू हैं वो लोग तो निश्चित रूप से तीर छाप को वोट देंगे। आज देखेंगे, राजेश यादव हैं टंडला के, नगर परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, संतोष यादव जी वो हमारे पास आपके साथ बैठे हुए हैं, हमारे मुखिया प्रभुनाथ यादव जी आप देखेंगे, कल है हम लोग बैठक किए हैं यहाँ तिलौता रसूलपुर में। तो हम लोगों के साथ जो जादव जो जुड़े हुए हैं वो लोग, उन लोगों को समेटने का दायित्व मेरे ऊपर है, हम समेट रहे हैं। चलिए, आपने देखा कि सांसद ओम प्रकाश यादव जी से कई मुद्दे पे, चाहे वो देश स्तर के हों या फिर लोकल स्तर के हों, कई मुद्दे पे बातचीत किया। जब देश स्तर पे बात हुआ कि क्या 2014 और 2019 की जो लहर की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लहर नहीं, इस बार सुनामी है, जो भले ही दिखाई नहीं दे रही है लेकिन 23 तारीख को वो सब कुछ दिखाई देगा। अब सिवान के मुद्दे पे जब बात हुई तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके गैरों, अपनों ही ने ही उन्हें लूटा है, गैरों में कहां दम था। हालांकि ये अब देखना ये है कि उनके 2014 सिवान का जो राजनीतिक समीकरण है वो 2009 से ही, हालांकि ये पहले से देखा गया है कि माई समीकरण के वजह से यहाँ पे लगभग 15 साल तक लालू यादव जी ने शासन किया था और वो समीकरण लंबे समय तक चला, जिसको तोड़ने का सारा श्रेय पूरे बिहार में अगर जाता है तो वो सांसद ओम प्रकाश यादव को, जिन जब 2009 में वो सांसद बने थे सिवान से, उस समय यहीं से, इसी सिवान की धरती से वो संदेश गया था कि सारे यादव ओम प्रकाश यादव जी के साथ चले गए और राजद का दामन उन्होंने छोड़ दिया था, जिसका सीधा असर पूरे बिहार के चुनाव पे पड़ा था। लेकिन 2019 में, आज 10 साल के एक लंबे कार्यकाल के बाद, जब सांसद ओम प्रकाश यादव का टिकट कटा, आज फिर वो घड़ी आई है और सिवान की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं करवट लेती दिखाई दे रही है। हालांकि सांसद ने ये जरूर कहा कि उनके जो कट्टर समर्थक हैं वो आज भी उनके साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ सच्चाई ये भी है कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता बीजेपी को छोड़ करके वो राजद का दामन थाम लिए हैं, जिसमें एक दो नाम जैसे गब्बर यादव, विजय सोनी और भी कई नाम हैं जिनको यहाँ लेना संभव नहीं है। लेकिन अगर 2019 में इसी तरह से चलता रहा तो राजनीति का जो समीकरण है, जो टूटा था यहाँ पे, अब देखना है कि 2019 में क्या गुल खिलाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।